हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत खास है। ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है देसी रुई, और इस देसी रुई से आज हम शुद्ध घी के दिए बनाएंगे, जिसे आप घी बत्ती भी बोलते हैं, घी विक्स भी बोलते हैं। तो और कॉटन की बत्ती भी बना के दिखाऊंगी, और इसी कॉटन की बत्ती से हमने जो है ये घी के दिए बनाए हैं और एकदम शुद्ध हैं। इसको हमने जो है गूगल और कपूर के अलावा और भी चीज़ें डालकर बनाया है। तो हम सबसे पहले यहाँ गूगल ले रहे हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में गूगल है। इसको हमने थोड़ा सा तोड़ लिया है, पाउडर की फॉर्म में ले लिया है, तो ये नेगेटिविटी को ख़त्म करता है फ्रेंड्स। तो इसको आप जरूर ट्राई करें। ये हम लेंगे सूखी तुलसी के बीज, इसको भी हमें ज़रूर यूज़ करना है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, तो इसको भी आप यूज़ करेंगे। अब लेंगे कुछ सूखे हुए फूल, ये गुलाब की पंखुड़ी है वो है, और ये है हमारे पास गेंदे के फूल। और अब हम दिखाएंगे कपूर, ये देसी कपूर है, ये भीमसेन का मिल जाएगा आपको पूजा की शॉप पे, और नहीं तो कोई नॉर्मल कपूर भी आप यूज कर सकते हैं। और ये है शुद्ध घर का निकला देसी घी। तो ये सब चीजें हमें चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको पहले जो मैंने घी के दिए बना के रखी हूं उसका इफेक्ट दिखाने के लिए इसको लगाते हैं, और वीडियो चलती रहेगी तो ये दिया भी चलता रहेगा, और अंत में दिखाऊंगी कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। तो पहले इसको हम लगा लेंगे, और फिर लगाने के बाद एक साइड रखेंगे आपको दिखाने के लिए, और इस बीच हमारा वीडियो चलता रहेगा, और मैं बताऊंगी क्या क्या हमें चीजें हमें लेनी है और किस तरह क्या। ये जो आपको फ्रेंड्स फल दिख रहा है, ये आपके आसपास हो सकता है पेड़ हो, उस पर हरे रंग के, इस कलर में हरे रंग के ये फल लगा हो, सूखने के बाद ये इस कलर में हो जाएगा। पहले हरा होता है, फिर ये इस तरह सूख जाता है, और ये अप्रैल मई में पेड़ से फल गिरता है, और जब आप इसे खोलेंगे तो ये इसमें से रुई निकलेगी, और देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे भुट्टे के दाने हैं अंदर। हालांकि जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें आपको ब्लैक कलर के दाने निकले मिलेंगे, देखिए इसके जो बीज हैं ब्लैक कलर के अंदर से। तो ये आपके आसपास होगा, इसको ध्यान दें। और इससे आज हम बनाएंगे ये रुई की बाती। इतनी सॉफ्ट है फ्रेंड्स, ये बहुत सॉफ्ट है, और जब आप इसको खोलेंगे ये थोड़ी सी बहुत एकदम डबल हो जाएगी खुलने के बाद। तो इससे आप बत्ती बनाएं, पूजा में यूज करें, इसको बहुत शुद्ध है। ऐसे तो हम जो नॉर्मल रुई यूज करते हैं वो पौधे से प्राप्त होती है, हमें मिलती है, ये हमें पेड़ से मिलती है। इसके पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, तो आपके आसपास जरूर होंगे। देखिए ज्यादा चिपकती है, तो चिपके ना, उसके लिए हम इसको घुमाते जा रहे हैं, इससे ये चिपकती नहीं है, घुमाने से इकट्ठी हो जाती। अब हम बना रहे हैं बाती, तो थोड़ा सा खोलेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खोलना है, थोड़ा सा खोलेंगे, और उसमें ये यूज़ करें हम कच्चा दूध। आपके पास कच्चा दूध है ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल दूध भी ले सकते हैं, और उससे इस तरह से हल्का सा खोलेंगे और घुमाते हुए इसको ट्विस्ट करेंगे, ये बंद करना है सॉरी, है ना, अभी इसको घुमाते इसको बंद कर देंगे इस तरह से। ये दूध लगाना है, और नीचे जो हम हथेली पे घुमा रहे हैं इससे हम इसका जो नीचे का पोर्शन है इसको फ्लैट करेंगे। अब हल्दी या कुमकुम आप लगा सकते हैं, वो ऑप्शनल है, क्योंकि आपने देखिए ज़्यादातर लोग हल्दी कुमकुम यूज़ करते हैं। इस तरह से हल्दी कुमकुम वाली बाती तैयार होती है। तो फ्रेंड्स एकदम शुद्ध तरीका है, इसको आप जरूर ट्राई करें। एक और दिखा देती हूँ मैं, इसमें हल्दी और दूध उंगली पर मैंने लगा लिया है, और दोनों साइड से बाती को हमें इससे घुमाते हुए इसको बंद कर देना है। फ्रेंड्स ध्यान रखें, जब भी बाती बनाए कभी भी हमें एक साइड से नहीं बनानी चाहिए, दो साइड से खोल करके बनानी चाहिए, उससे ज्यादा स्ट्रांग बनती है और टिकती बहुत अच्छे से। तो देखिए आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम कुछ बातियां तैयार कर लिए पहले से। अब मैं आपको दिखाऊंगी हमें क्या करना है। अब हम सबसे पहले शुद्ध घी लेंगे, जो हमारे घर का है, ये व्हाइट कलर का है, इसे कलर और टेक्सचर दोनों देंगे हम, इसमें खुशबू भी ऐड करेंगे। तो खुशबू के लिए हम कुछ ऐड नहीं करना है, सब कुछ ओरिजिनल तरीका है। तो ये फूल है, इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, इनके कलर भी बहुत अच्छे हैं, तो ये दोनों चीज़ देगा, खुशबू भी देगा और कलर भी देगा। तो इसको अच्छे से हमने जो है बारीक कर लिया है फूल को, ये सूखने के बाद अपने आप बहुत जल्दी बारीक हो जाते हैं, आप इनको बारीक करेंगे तो। अब इसी तरह से हमने गुलाब की पंखुड़ी थी उसको भी इस तरह से कर लिया सूखा करके, तो ये भी डालेंगे। अभी तुलसी के बीज, ये भी अच्छे से सूखा करके इसमें डालें, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स।
अब हम इसमें कपूर ऐड करेंगे बारीक करके, और अंत में यूज करेंगे ये गूगल, इसका भी हम पाउडर डालेंगे आधा चम्मच के आसपास। ठीक है, तो बस अब ये सब चीजें डालने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर अगर आपके घर में बर्फ की ट्रे है तो वो ले लेंगे, वो नहीं है तो अगर आपके पास कोई मोल्ड रखा हो, ये सिलिकॉन के मोल्ड बहुत चल रहे हैं तो वो ले सकते हैं, उससे बहुत आसानी से निकल जाते हैं। और यदि नहीं है, मैं तो यूज़ नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों का, मैंने तो बर्फ की ट्रे ली है, उसी में मैं आपको ये जमा कर सेट करके दिखाऊंगी बाती कैसे सेट होती है। तो और यदि ये भी नहीं है आपके पास, बर्फ़ की ट्रे नहीं है या आपको निकालने में कोई परेशानी लगती है, तो आप स्टील की कटोरी में, छोटी छोटी कटोरियाँ होती हैं उनमें भी इनको सेट कर सकते हैं। और तो और एक और तरीका है मैं बता सकती हूँ, वो है मिट्टी के दिए। मिट्टी के दिए सबके घर पर होते हैं, हर दिवाली पे हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, तो वो दिए रखे होते हैं पुराने वाले, उनको आप लेके धो लीजिए और फिर सुखा करके फिर उसमें इन बाती को सेट करें। और उसमें तो निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, उसको तो दिए को आप डायरेक्ट लगा के भगवान को दिखा सकते हैं। इनको तो निकालना पड़ेगा कटोरी से और इसमें से, बर्फ की ट्रे से। तो इस तरह से आप दिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैं बर्फ की ट्रे में आप ये सब लगाने के बाद, बाती लगाने के बाद देखिए घी डाल रही हूँ, और देखिए एक भी बाती फ्रेंड्स मेरी नीचे नहीं होगी, बहुत अच्छी सेट होती है क्योंकि मैंने इनमें दूध लगाया था, कच्चा दूध, कच्चे दूध से बाती बहुत अच्छी सेट होती है फ्रेंड्स। कुछ ये नहीं होगा कि आपकी बाती इधर उधर गिर रही है। ठीक है, तो आप इस तरह से बनाएं। तो इस ओकेजन में अभी तो फिलहाल नवरात्रे चल रहे हैं, आप नवरात्रे में बना सकते हैं घी बत्ती को, नहीं तो अभी सारे फेस्टिवल आगे आने ही वाले हैं, जन्माष्टमी, गणपति, दिवाली, ये सब है आने ही वाले हैं, तो इन्हें आप जरूर बना के रखें, स्टोर कर लें फ्रिज में, और जैसे मंदिर भी जाना है तो उसके लिए भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा तरीका है, आप बहुत आसान और शुद्ध तरीका है। यहाँ देख सकते हैं आप, दिया हो रहा है अभी भी, मैंने इसलिए आपको दिखाया बीच में कि अभी भी चल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका क्या रिजल्ट रहा है। देखिए इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में रखना है, और 10 मिनट बाद अब हम इसको निकाल चुके हैं, अब हम इसे निकालेंगे। ये बर्फ़ की ट्रे से निकालने में थोड़ा एक यही परेशानी होती है कि थोड़ा किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, चम्मच वगैरह या किसी कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट आपके पास हो उससे। तो हम यहाँ चम्मच से, छोटी चम्मच का यूज़ कर रहे हैं, बहुत आसानी से चल जाती है इसमें, इसलिए अब इन सबको निकालते जाएंगे और किसी भी एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर लेंगे। तो पहले मैं यहाँ सबको बाहर निकालूंगी और आपको दिखाऊंगी कैसा लग रही है देखने में। फ्रेंड्स खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, क्योंकि मैंने इस नवरात्रि इनको यूज़ करना था तो मैंने बनाई है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और मैं यूज़ करती भी हूँ ऐसे भी। ठीक है, इस रुई को तो मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि मैं जब बाती को, मैं लंबी बाती बनाती हूँ, मगर लंबी बाती से भगवान का दिया लगाती हूँ देसी घी डाल के, तो जब मैं रुई को चेक करती हूँ तो दिए में दिखती नहीं है, वो पता ही नहीं चलती रुई कहाँ है, इतना अच्छा रिजल्ट आता है इस रुई से, देसी रुई से। तो इस किसी भी फेस्टिवल आ रहे हैं आप किसी भी ओकेजन में इन दियों को जरूर बनाएं, बहुत अच्छे हैं, नेगेटिविटी भी ख़त्म करते हैं। अभी ने एक स्टोर कर रहे हैं हम एक डब्बे में, इन सबको स्टोर करके रख लें। अब चाहे तुलसी जी का भी दिया लगाना हो या डेली पूजा में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आपको नहीं करना है दिए में, ना तो घी डालना है ना बाती लगानी है, बस लेना और दिए में रख के इसको यूज़ कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें, जो चीज़ें मुझे पता चली है, जानकारी मुझे मिली है, वो आप, मैं चाहती हूँ दूसरों तक भी पहुँचाएँ। तो देखिए यहाँ दिया भी कंप्लीट हो रहा है और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा फ्रेंड्स, मैं यूज़ करती हूँ इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ इसको जरूर ट्राई करें। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप्स के साथ मिलते हैं, बस यही कहूँगी चलते हुए, इसे शेयर करना नहीं भूलें। तब तक के लिए जय माता दी।